रामलला के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी संख्या में भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए हर कोई बेताब है। मंदिर प्रशासन की तरफ से लोगों को दर्शन कराने के लिए हर संभव व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों से संयम बरतने की अपील भी की जा रही है। हर राम भक्त को रामलला के दर्शन करने का वादा किया गया है। जन सैलाब को देखते हुए मेन द्वार पर मंदिर के भक्तों के दर्शन के लिए फिलहाल बंद किया गया है। जो लोग मंदिर परिसर के अंदर है वे रामलला के दर्शन इस वक्त कर रहे हैं। भीड़ बेकाबू ना हो इस बात को ध्यान में रखकर ये कदम उठाए गए हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी रवि का इस वक्त हम रुख करेंगे। रवि, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हालांकि ये सच है और ये पहले से तय था कि जब राम भक्त रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो इतनी ही संख्या होगी, लेकिन पुलिस टीम की तरफ से अभी क्या क्या व्यवस्था, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं? व्यवस्था तो अब काफी चुस्त दुरुस्त कर ली गई है। एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं कि अभी ये सब बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ बिल्कुल भीड़ खत्म हो गई थी श्रद्धालुओं की, लेकिन एक बार फिर भीड़ आ गई है, लेकिन अब काफ़ी मैनेज तरीके से किया जा रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग की है, लेकिन एक एक करके अंदर लोगों को भेजा जा रहा है जिससे कि किसी तरीके की स्थिति बेकाबू ना हो। सुबह के टाइम ज़रूर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था, थोड़ी देर के लिए अंदर लोग नहीं जा पा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद दर्शन हो रहे थे, दर्शन बंद नहीं हुए थे, क्योंकि बड़ी संख्या में अंदर लोगों का प्रवेश हो चुका था और सुबह के 7 बजे से ही दर्शन चल रहे हैं। दर्शन में किसी भी तरीके की बाधा नहीं रही, लेकिन जरूर है कि एक एक स्टेप पर इस तरीके की बैरिकेडिंग की गई है, और खास करके ये जो पहली बैरिकेडिंग है जहां पर भीड़ सबसे ज्यादा होती है। और अब देखो आप देखिए आप कि किस तरीके से ADG पीयूष मोड़िया वो खुद अनाउंसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं कि कंट्रोल में रहें, लोग सब्र करके रखें, धैर्य बनाए रखें, दर्शन सभी को मिलेगा, अंदर जाने की अनुमति सभी को होगी, सब लोग अंदर जाएंगे, कोई भी बाहर नहीं रहेगा। अब काफी कंट्रोल में है मामला, भीड़ भी ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन ये दर्शन तो पूरे दिन होता रहेगा। दूसरी तरफ देखें कि एक पूरी जो भीड़ है वो मेन रोड से अंदर की तरफ आ रही है पहली बैरिकेडिंग में, 2-3 स्टेप में, फिर इसके बाद सिक्योरिटी जांच होती है, फिर इसके बाद लॉकर रूम है जहां पर आप अपने सामान रख सकते हैं, जो भी आपके पास मोबाइल है, कोई इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वो तमाम चीज़ें लॉकर रूम में रख सकते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए लॉकर रूम है, और अब दूसरी तरफ ये पहली बैरिकेडिंग के बाद में अगर आप मंदिर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग लगातार जा ही रहे हैं, रुकावट किसी तरीके की नहीं है, लेकिन मैनेज कर रही है पुलिस, थोड़ा सा मैनेज करना बीच में मुश्किल जरूर हो गया था, लेकिन अब बड़े अधिकारी आ गए हैं, पुलिस बल यहां पर बड़ी संख्या में है, तो अब कंट्रोल में ही मामला है और दर्शन लगातार हो रहे हैं। रवि, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो श्रद्धालु के तौर पर हमें और हमारे जो राम भक्त है वहाँ पे सबको देख रहे होंगे कि कैसी व्यवस्था है, क्योंकि हर कोई अयोध्या इस वक्त आना चाहता है और हमें लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके से नज़ारा होगा। तो उन श्रद्धालुओं के लिए जरा ब्रीफ कर दीजिए कि क्या प्रोसेस है अभी रामलला के दर्शन को लेकर। देखिए, पड़ोस का एक जिला है बाराबंकी, उसकी तरफ से प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि अभी फिलहाल अयोध्या ना जाए, यानी कि प्रशासन भी ये चाहता है कि भीड़ ज़्यादा ना हो, एक ही दिन भीड़ ना हो, दर्शन तो होंगे ही, जैसे 500 साल का इंतज़ार किया है लोगों ने, कुछ समय और भी कर लें, कम लोग आए, अचानक जब जन सैलाब उमड़ पड़ता है तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी देखें, लेकिन अगर आप आते हैं दर्शन करने के लिए तो सुग्रीव किला है, 3-4 गेट है, और यहाँ पर आम जो श्रद्धालु हैं, दर्शन करने वाले लोग हैं, वो सुग्रीव किला से उनकी एंट्री होती है, 2-3 बैरिकेडिंग है, और धीरे 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 करके आगे जाते हैं। फर्स्ट जब पहली बैरिकेडिंग होती है उसके बाद अंदर घुसते ही लॉकर रूम है जहाँ पर सामान आप अपना रख सकते हैं, मोबाइल, चैन, घड़ी, कुछ भी आप सामान लेके आते हैं तो वहाँ पर रख सकते हैं, उसके बाद फिर आगे जाने की अनुमति मिलती है, बाद में सिक्योरिटी जांच भी होती है, और फिर मंदिर का जो प्रांगण है वो काफ़ी भव्य है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, तो दर्शन आराम से अंदर हो सकते हैं, लेकिन
ये नहीं है कि आप आज या कल नहीं आए तो मंदिर में भगवान राम के दर्शन नहीं हो पाएंगे। दर्शन आप कभी भी कर लीजिए, क्योंकि पूरा विशाल भारत है, यहाँ की जनसंख्या भी काफ़ी है, और ऐसे में देश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। सिर्फ अयोध्या, उत्तर प्रदेश या आसपास के लोग नहीं हैं, ये आप समझ लीजिए कि दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत और पश्चिम भारत पूरा का पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है, और पहले ही दिन दर्शन करने के लिए लोग पहुँचे हैं। तो भीड़ को थोड़ा सा कंट्रोल किया तो जा रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है इसका अंदाज़ा भी अभी लगाना मुश्किल है कि कितने लोग अभी तक दर्शन कर पाए हैं, कितने लोग अभी दर्शन करने बाकी हैं, कितने अभी बाहर बैरिकेडिंग के बाहर हैं। जी बिल्कुल रवि, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन इन तस्वीरों को दिखा के जरा मैं दर्शकों से कुछ अपील भी कर दूँ। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करती है, क्योंकि अगर आप सभी दर्शक या श्रद्धालु अगर इतनी तादाद में पहुंच जाएंगे तो वहां की टीम के लिए भी चुनौती होगी, परेशानी होगी। जो पुलिस प्रशासन, ऐसा नहीं है कि अयोध्या में पुलिस की कमी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होती है, लेकिन आप दर्शकों से ये भी गुजारिश है कि कम से कम कुछ दिनों का इंतजार थोड़ा कर ले और शायद आने वाले वक्त में सहूलियत के साथ आप जाकर मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल अयोध्या जाएंगे और वो अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जेपी नड्डा को लेकर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल अयोध्या पहुंचेंगे, परिवार के साथ वो अयोध्या जाएंगे और वहां जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। तो जैसा कि पहले अपील की गई थी कि जो भी तमाम दिग्गज नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में रहें और वहीं के मंदिरों में जाएं, 22 जनवरी के दिन ऐसा ही हुआ, सभी ने अपने क्षेत्र के मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना की और अब जाकर रामलला के दर्शन करने के लिए वो पहुंचेंगे। सबसे पहले जानकारी ये मिल रही है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे, कल अयोध्या वो पहुंचेंगे और अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन वो करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि 22 जनवरी यानी कल हमने भव्य और दिव्य दृश्य देखा। रामलला अपने महल में पहुंच चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो चुकी है और अब एक एक करके श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा भी कल अपने परिवार के साथ दर्शन करने पहुंचेंगे। तो आने वाले कुछ वक्त में वीवीआईपी मूवमेंट देखने को मिलेगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास पर दीपोत्सव मनाया। उन्होंने रामलला की तस्वीर के आगे दीप भी जलाया, बाद में पीएम ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा भी की। कल देर शाम की तस्वीरें हैं जब मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी से घर में दिए जलाने की अपील की थी और इसी क्रम में उन्होंने खुद भी दिए जलाकर दिवाली का त्यौहार मनाया और सामने रामलला की ये तस्वीर, उनकी प्रतिमा और उसके सामने दिवाली मनाते हुए पीएम आवास में नजर आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये खूबसूरत तस्वीर है, हालांकि इससे पहले उन्होंने देशवासियों से अपील भी की थी और उस अपील का ऐसा असर हुआ कि कल दिवाली के तरह ही पूरा माहौल था, यानी घर को लोगों ने रोशनी से सजाया, दिए जलाए, आतिशबाजी की और ऐसा लगा कि जैसे त्रेता युग में हुआ था राम के आने पर, उसी तरीके से नगर के लोग, चाहे वो जिस भी प्रांत में, जिस भी कस्बाई इलाके में रहते हो, जहां भी जो था अपनी श्रद्धा हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से उन लोगों ने दिए जलाए। और ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको एक एक करके अब दिखा रहे हैं। अयोध्या में पूजा अर्चना की वो तस्वीर जिसको देखकर भाव विभोर हो गए थे सभी देशवासी, दूसरी तस्वीर प्रभु श्री राम की और तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है पीएम मोदी की, जब शाम को वो, जब हम सांझ का दिया जलाते हैं उस वक्त विधिवत वो वहां भी गए और पूजा अर्चना की और फिर उन्होंने दिए जलाए।